ये कहानी एक गरीब ऑटो ड्राइवर की है जो बिहार के गांव से दिल्ली आकर किराए के मकान में रहता था। अपने बच्चों को पढ़ाने और परिवार का गुजर बसर करने के लिए वो चलाता था ऑटो। हुआ ये कि 26 जनवरी को ऑटो में सवारी समझकर उसने दो लड़कों को नई दिल्ली से द्वारका के लिए बिठाया, पर उसे क्या पता था कि जिनको उसने सवारी समझा है वही लड़के उसकी हत्या कर देंगे। द्वारका सेक्टर 13 पर ऑटो के पहुंचने पर दोनों लड़कों ने तेज धारदार चाकू से उस पर हमला करके उसकी गर्दन पर वार किया। ऑटो ड्राइवर का मोबाइल और पैसे लूट कर भाग गए। चाकू का हमला इतना तेज था कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने ऑटो ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रात को करीब 2 बजे इंस्पेक्टर कमलेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेकर तुरंत काम पर लग गए। एक गरीब ऑटो ड्राइवर के कातिलों की तलाश के लिए इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने करीब 72 घंटों तक 50 किलोमीटर पैदल चलते हुए दिन रात करीब 1000 जगह की सीसीटीवी फुटेज को देखा। आखिर में कातिलों की पहचान हो गई और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर गरीब ऑटो ड्राइवर को न्याय दिलवाने का सराहनीय काम किया। दोनों कातिलों को पकड़ने पर ये भी पता लगा कि इनमें से एक आरोपी विनोद पहले भी चर्चित छावला गैंग रेप केस में बंद हो चुका था। कुछ दिन पहले ही अदालत से बरी होकर करीब 7 साल बाद वो जेल से बाहर आया था और बाहर आते ही उसने फिर से हत्या की एक वारदात को अंजाम दे दिया था। इंस्पेक्टर कमलेश कुमार 2001 में दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। ड्यूटी के साथ पढ़ाई जारी रखी और 2006 में ओपन टेस्ट पास करके ASI फिंगरप्रिंट में सिलेक्ट हुए, लेकिन वहां आम जनता की सेवा का मौका नहीं होने के कारण अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 2008 में ओपन टेस्ट पास करके वे बतौर सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए। 2020 में इंस्पेक्टर बनने के बाद से AATS द्वारका में रहते हुए उन्होंने इस तरह के कई सराहनीय काम किए हैं। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।